नमस्कार, टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब बारी लोकसभा चुनाव की है। भाजपा ने राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई है, तो वहीं तेलंगाना में कांग्रेस पहली बार सत्ता में आई है। देश में 2 महीने बाद ही लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज जाएगी। बता दें कि इस बीच लोकसभा चुनाव को लेकर हुए एक सर्वे में पश्चिम बंगाल से चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। यह सर्वे एक टीम ने किया है। यह सर्वे पश्चिम बंगाल की सभी 42 सीटों पर किया गया है। इन दिनों बंगाल की राजनीति काफी गर्माई हुई है। इसकी वजह भाजपा नहीं बल्कि सत्ताधारी पार्टी टीएमसी है। पिछले दिनों चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई थी, जिसमें ममता बनर्जी शामिल नहीं हुई। वहीं दूसरी ओर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में सदस्यता रद्द हो गई है। हालांकि इस मामले में अभी पार्टी की ओर से कोई भी बयान जारी नहीं किया गया है। सर्वे में किस पार्टी को कितनी सीटें और कितने प्रतिशत वोट मिलेंगे यह भी बताया गया है। तो चलिए बता देते हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बंगाल में भाजपा ने 18 सीटें जीती थी, वहीं टीएमसी ने 22 और कांग्रेस को 1 सीट मिली थी। वहीं अगर आज चुनाव होते हैं तो बंगाल में भाजपा को 17 से 19 सीटें, टीएमसी को 20 से 24 सीटें मिलने की संभावना है। वहीं कांग्रेस को 1 से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। 2019 के चुनाव में भाजपा को 40% वोट मिले थे, तो वहीं टीएमसी को 43.3% वोट मिले थे। बता दें कि 2014 के लोकसभा चुनाव में 34 सीटें जीतने वाली टीएमसी 2019 में सिर्फ 22 सीटें ही जीत पाई। वहीं 2014 में 2 सीटें जीतने वाली भाजपा 2019 में 22 पर पहुंच गई है। ऐसे में इस बार भी वहां रोचक टक्कर देखने को मिलेगी।